नमस्कार। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देने का प्रयास करेंगे। दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्तियां। दीपावली के दिन प्रत्येक घर दीपों की पंक्तियों से सजाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से प्रकाशमय कर देता है। हिंदू मान्यताओं में राम भक्तों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्य रोहण पर दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था, इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली का दिन आने पर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बाजार में मिट्टी की दीपों, खिलौनों, खील बताशों और मिठाई की दुकानों पर भीड़ हो जाती है। दुकानदार, व्यापारी अपने बही खातों की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन सभी घरों में लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है। सभी परिवार अपने अपने घरों में भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा रहेगी। दीपावली के अगले दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह त्योहार अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आता है। एक दो हफ्ते पूर्व से ही लोग घर, आंगन, मोहल्ले और खलियान को दुरुस्त करने लगते हैं। दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं बल्कि पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली से दो दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार आता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, अतएव प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। हंगामा की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।